इस प्राइस रेट में ये प्रोसेसर पर्सनली बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो फाइनली गाइस, ओप्पो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है ओप्पो रेनो 8 प्रो। इसमें दो इस सीरीज में दो फ़ोन लॉन्च होने जा रहे हैं, एक ओप्पो रेनो 8 प्रो, एक ओप्पो रेनो 8, जो कि इस वीडियो में बात करूंगा सिर्फ ओप्पो रेनो 8 के बारे में, क्योंकि ओप्पो रेनो 8 थोड़े दिन के बाद लॉन्च होने वाला है एंड ओप्पो रेनो 8 प्रो जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च होने वाला है, जो कि ओप्पो रेनो 7 के सक्सेसर के बाद ये दोनों फ़ोन लॉन्च होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए इसके डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन के बारे में आप पर्सनली डिस्प्ले पर देख सकते हैं किस प्रकार के आपको लुक्स दे रहा है। एंड इसके बाद बात की जाए प्रोसेसर एंड परफॉर्मिंग के बारे में, तो इस प्राइस रेट में मुताबिक इसमें आप एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि एक नया प्रोसेसर है जो कि है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1, जो कि इस प्राइस रेट में टोटली काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। एंड इसके बाद बात की जाए इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, जैसे कि बात की जाए इसकी CPU परफॉर्मेंस की, जो कि मैंने कंपेयर करा है 870 से, देख सकते हैं उसमें थोड़ा पीछे रहता है एंड ओवरऑल सब में ये उससे आगे रहता है, मतलब कि इस प्राइस रेट में ये एक नॉर्मल भी प्रोसेसर हो सकता है। एंड इसके बाद बात की जाए इसके अंततु स्कोर के बारे में, तो उसका अंततु स्कोर अभी निकल के नहीं आया है, अगर आएगा तो वीडियो के कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। एंड इसके बाद बात की जाए इसके फ्लैगशिप कैमरा के बारे में, क्योंकि ये ओप्पो को ओप्पो रेनो सीरीज के फ़ोन पर्सनली कैमरा के होते हैं, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि इस प्राइस रेट में पर्सनली काफ़ी अच्छा है। एंड अब बात की जाए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो बैक कैमरा से 30 से 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एंड अब बात की जाए फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट में भी इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा 30 FPS तक। एंड इसके बाद बात की जाए इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.62 इंचेस की एक डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि है इसकी एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। वहीं इसी के साथ साथ इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। एक अच्छे फ़ोन के लिए परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी एंड चार्जर का भी अच्छा होना जरूरी है, तो इसलिए सबसे पहले बात की जाए इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जो कि 80 वाट के चार्जर को सपोर्ट करती है, मतलब कि इसमें आपको 80 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि 0 से 100% बैटरी करेगा सिर्फ 30 मिनट में, जो कि इस प्राइस रेट में ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको 80 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है। एंड बात की जाए इसके एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लॉन्च रेट के बारे में, तो इसके एक्सपेक्टेड प्राइस जो कि निकल के आ रहे हैं वो की हैं 8128 वाले वेरिएंट के 32,999, एंड इसकी लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये 16 जून, जो कि आज का ही दिन है, हो सकता है इस दिन लॉन्च हो जाए या पोस्टपोन्ड होके ये 20 से 25 जून तक लॉन्च हो जाएगा। एंड आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, बताए हुए पॉइंट आपको कैसे लगे, ये फ़ोन आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।